हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मॉम्स बेबी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सावन का पहला सोमवार है एंड फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। लेकिन इससे पहले मैंने कुछ किड्स लर्निंग एक्टिविटीज़ की वीडियो अपलोड किए हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपके पास सभी नए वीडियोज के टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हमारे डिलीवरी के टाइम पे बेबी हेड डाउन पोजीशन कब होती है। क्या होता है कि जब एक महिला फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है और जैसे जैसे उसका डिलीवरी का टाइम जो है वो नियर आना शुरू हो जाता है, तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या मेरे बच्चे का जो सिर है वो नीचे की ओर आ गया है, और वो कैसे पता लग सकता है कि हमारे अंदर क्या चेंजेस होती हैं एंड क्या बेबी मूवमेंट्स अब कम हो जाती हैं। तो इस सभी टॉपिक के बारे में जो आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या होता है फ्रेंड्स, जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो वो आपका 8th मंथ का लास्ट एंड 9th मंथ का स्टार्टिंग होता है। मीन्स कि 32 से 36 वीक्स के बीच में जो होता है बेबी हेड डाउन पोजिशन कर लेता है, वो डिलीवर होने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। उस टाइम पे बेबी का जो सिर है वो नीचे की ओर, पैर जो होते हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। क्या होता है, कई बार आपका जो प्लेसेंटा है वो अगर एंटीरियर होता है तो आपको बेबी मूवमेंट्स बहुत कम फील होती हैं, मतलब वो अंदरूनी मूवमेंट्स फील होती हैं आपको। अगर एक्सटीरियर होते हैं तो उस टाइम पे जो बेबी की मूवमेंट हेड डाउन पोजीशन के बाद भी बहुत ज्यादा फील होती है। कैसे पता कर सकते हैं कि अब हमारे बेबी ने जो है वो हेड डाउन कर लिया है, तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमारे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या होता है, बार बार यूरिन का आना, मतलब बार बार पेशाब का आना। जब आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है, आपकी योनि पर दबाव डलता है और सर्विक्स जो होता है वो खुलने के लिए तैयार होने लगता है, तो आपको बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। मीन्स कि आपको हर 10-15 मिनट बाद जो होता है आपको यूरिन का प्रेशर बनने लग जाता है। तो ये एक फर्स्ट साइन है कि आपके बेबी ने जो है वो हेड डाउन कर लिया है। सेकंड साइन इसका ये है कि अब आपको जो है नाभि के नीचे की ओर, मतलब कि पेट अपना जो है लटका हुआ महसूस होने लगेगा, क्योंकि बेबी के पैर ऊपर और सिर जो है वो नीचे हो गया है, तो आपको जो वेट है वो पेट जो नाभि के नीचे की ओर आपको महसूस बेबी का होने लगेगा। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि जब बेबी आपका हेड डाउन पोजीशन कर लेता है तो आपके मांसपेशियों में भी आपको पेन होना मतलब शुरू हो जाता है। क्या होता है, हार्मोन चेंजेस के कारण आपकी योनि का स्तर भी जो होता है बढ़ जाता है, तो उस टाइम पर भी आपके अंदर मांसपेशियों में पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ साइंस हैं जिनके जरिए हम जान सकते हैं कि हमारे बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया। एंड अब बात ये आती है कि अब बेबी हेड डाउन पोजीशन के बाद हमें बेबी की मूवमेंट फील होनी बंद हो जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मतलब 9 मंथ के बाद बेबी की पोजीशंस जो हैं, बेबी की फील नहीं हो रही है आपको कि बेबी हमारे अंदर मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको पूरे दिन में नहीं फील हो रही है, तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि हेड डाउन पोजीशन के बाद भी बेबी कम से कम आपको जो मूवमेंट है उसकी 15 से 20 बार जरूर फील होनी चाहिए। क्या होता है, बेबी ने अब अपने आप को डिलीवर होने के लिए तैयार कर लिया होता है एंड हो सकता है कि अब आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी बहुत इजीली, क्योंकि जब बच्चे का सिर नीचे की ओर आ जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट इसमें ये नहीं है कि आपको बेबी मूवमेंट जो है वो फील नहीं होंगी। बेबी मूवमेंट्स आपको फील होनी बहुत जरूरी है। इस टाइम पर आपको बेबी मूवमेंट्स पे बहुत ध्यान रखना होगा। आपको एक दिन में
15 से 20 बार अगर बेबी मूवमेंट्स नहीं फील हो रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। क्या होता है, कई बार हम सोच लेते हैं कि नहीं, शायद उसका हेड डाउन हो चुका है तो अब हमें बेबी मूवमेंट फील नहीं हो रही, तो ये एक आम बेहतर नहीं। क्या होता है, बेबी अंदर प्रॉब्लम में होता है और हम उसको देखते नहीं है कि हमें मूवमेंट क्यों नहीं फील हो रही, हम उसको सीरियसली नहीं लेते, तो जिसके कारण हमारे बेबी को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो आपको 9 मंथ के बाद बेबी मूवमेंट्स का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होगा और 15 से 20 बार बेबी मूवमेंट्स फील होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारा एक टॉपिक था कि बेबी हेड डाउन पोजीशन कब होती है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं और बच्चे की मूवमेंट जो हमें वो कितनी बार फील होती है। तो अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।